मित्रों, आपने आज तक बहुत से ब्रिज देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने हैं दुनिया के स्पेशल ब्रिज जो कि आपने कभी नहीं देखे होंगे। मित्रों, सबसे पहला ब्रिज हम आपको दिखा रहे हैं गेट्स हेड मिलेनियम ब्रिज। ये इंग्लैंड में स्थित है और ये अपने डिजाइन के कारण काफ़ी फेमस है। ये दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज है जो इस तरह घूम के ये काम करता है। इसका उद्घाटन 7 मई 2002 को हुआ था। इस ब्रिज के इस डिजाइन को बना हुआ है, इसको बेस्ट डिजाइन का भी अवार्ड मिला हुआ है। इस ब्रिज को टाइम नदी के ऊपर बनाया गया है। इस नदी के ऊपर छोटे मोटे जहाज यहाँ से गुजरते हैं। जब कोई बड़ा जहाज इसके नीचे से गुजरता है तब इस ब्रिज को मोटर की सहायता से 40 डिग्री तक इसको घुमा दिया जाता है, जिससे बड़े जहाज आसानी से निकल सके। ये ब्रिज बहुत ही शानदार और अनोखा है। दूसरा ब्रिज हम आपको बता रहे हैं रोलिंग ब्रिज। है तो बहुत छोटा सा, लेकिन इसको बनाने में बहुत ही बढ़िया तकनीक काम में ली गई है। लंदन की एक बिल्डिंग के नीचे ये बना हुआ है। ये ब्रिज 2004 में बनाया गया था। इस ब्रिज को पैदल चलने के लिए बनाया गया था। इस ब्रिज में हाइड्रोलिक की सहायता से इस ब्रिज को आसानी से फोल्ड किया जा सकता है और ये फोल्ड होकर गोल भी हो जाता है। इस बिल्डिंग के नीचे नहर होने के कारण यहाँ बोटों का आना जाना रहता है, इसलिए यहाँ फिक्स ब्रिज बनाना असंभव था। इसलिए इंजीनियरों ने यहाँ पे ये फोल्डिंग ब्रिज यहाँ पे बनाया। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने ऐसा ब्रिज पहले कभी नहीं देखा हो। अगला ब्रिज हम आपको दिखा रहे हैं स्लोर हॉप ब्रिज। इस ब्रिज को देखने के बाद हमें ऐसे लगेगा जैसे हम भविष्य में जी रहे हैं। ये ब्रिज रोबोट की तरह लगता है। ये ब्रिज नीदरलैंड में है और ये दो सड़कों को आपस में जोड़ता है। पानी से जो ब्रिज यहाँ पे जहाज निकलते हैं उस समय इस ब्रिज को ऊपर उठा दिया जाता है। देखिए इस तरह से इस ब्रिज को ऊपर उठा दिया जाता है। यहाँ पे काफ़ी जहाज यहाँ से गुजरते हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रिज बनाना बहुत असंभव था, लेकिन इंजीनियरों ने कम लागत के अंदर बहुत ही शानदार ये ब्रिज बना दिया और इस पे गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया। पीछे एक रोलर लगा हुआ होता है, जिस टाइम जहाज आता है तब इस ब्रिज को ऊपर उठा दिया जाता है। इस ब्रिज को ट्रांसफर ब्रिज भी कहा जाता है। अगला ब्रिज हम आपको बताते हैं पॉन्ट जैक्स केबन ब्रिज। फ्रांस में गेरोन नदी के ऊपर ये बना हुआ है। ये ब्रिज लिफ्ट की तरह ये काम करता है। इस ब्रिज को सन 2013 के अंदर वहाँ के प्रधानमंत्री ने जनता को सपोर्ट किया था और इस ब्रिज को 2014 में आउटस्टैंडिंग का अवार्ड भी मिल चुका है। जब बड़े बड़े जहाज इसके नीचे से गुजरते हैं तब यह लिफ्ट की तरह यह ब्रिज बीच में से ऊपर हो जाता है और आसानी से बोट इसके नीचे से निकलते हैं। इस ब्रिज पे 4 लाइन का हाईवे है और ये 110 मीटर लंबा है और ये ब्रिज कुछ ही पलों में 50 मीटर ऊपर तक चला जाता है और पूरे साल में कम से कम 150 बार ये ऊपर नीचे होता है। अगला ब्रिज हम आपको बता रहे हैं फॉल क्रिक वेल। ये दुनिया की पहली ऐसी लिफ्ट है जो इंसानों के लिए नहीं जहाजों के लिए ये लिफ्ट बनाई गई है। इस लिफ्ट में क्या होता है कि यहाँ पे दो नहर है, इसमें क्या होता है इसके अंदर बोट को इसके ऊपर उठा लिया जाता है और बोट को दूसरी नहर में छोड़ दिया जाता है। ये जहाज को नीचे से उठाकर 24 मीटर तक ऊपर ले आता है और यहाँ से ये बोट दूसरी नहर में चली जाती है। इसमें जो रोलर लगे हुए हैं वो 5 मिनट में बोट को एक नहर से दूसरी नहर में छोड़ देते हैं। इसको दुनिया का सबसे बड़ा वाटर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। यह एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है और यहाँ पे साल में लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। अगला ब्रिज हम आपको बता रहे हैं फ्लाइंग फेरिंग ब्रिज। यह ब्रिज सबसे अनोखा है।
इसको स्पेन की दो सिटी को जोड़ने के लिए बनाया गया है। वहां के प्रधानमंत्री ने इंजीनियरिंगों के सामने एक शर्त रखी कि पैदल चलने वालों के लिए और जहाज़ों के लिए कोई समस्या ना हो, ऐसा ब्रिज बनाया जाए। ये ब्रिज अपने साथ 6 गाड़ियां और कई दर्जन व्यक्तियों को लेके इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ सकता है। अगला ब्रिज हम आपको बता रहे हैं, स्केल लेंस ब्रिज। ये दुनिया का सबसे अनोखा ब्रिज है क्योंकि ये कोमा के आकार का बना हुआ है। इस ब्रिज को कोमा के आकार में क्यों बनाया गया, ये शायद ही कोई समझ सकेगा। ये दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज है जो ऊपर नीचे न होके साइड में होकर ये बोट को आने जाने का रास्ता देता है। यहाँ पे आप खड़े होके आसानी से जो बोट आते जाते हैं उनको आप देख सकते हैं। इस ब्रिज को बनाने में 9 मिलियन डॉलर खर्च हुए थे। इसको कंक्रीट और स्टील के द्वारा बनाया गया है। इसकी लंबाई 57 मीटर के पास है। ये ब्रिज एक बार में 1000 लोगों को इधर से उधर ले जा सकता है। अगला ब्रिज हम आपको बता रहे हैं, ओरिसन ब्रिज। ये सबसे स्पेशल ब्रिज है। इसका अंडरग्राउंड पैनल पूरी दुनिया में मशहूर है। ये ब्रिज करीबन 8 किलोमीटर लंबा है जिसमें 4 किलोमीटर अंडरग्राउंड पैनल है। इसको बनाने में 2.6 बिलियन यूरो का इसमें खर्चा आया था। ब्रिज आर्टिफिशियल आइलैंड से अंडर वाटर जाता है, फिर 4 किलोमीटर के बाद ये बाहर निकलता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे ये समुद्र में जाके ये ब्रिज गायब हो गया है। ये ब्रिज आधुनिक तकनीक का एक नायाब नमूना है। मित्रों, इनमें से कौन सा ब्रिज आपको सबसे अच्छा लगा, आप हमें कमेंट के बारे में ज़रूर बताएं। और जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें।